100 पॉलिटी क्वेश्चन इन वन वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविचरी ट्यूब पर। दोस्तों, मैं आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी जीके क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता किन्हें माना जाता है? तो आंसर है इसका डॉक्टर B.R. अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमिटी था उसके सामने प्रियम्बल को किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल को ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट नॉमिनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग भारत का जो करेक्ट नॉमिनक्लेचर है वो क्या है? तो आंसर है इसका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड इन विच फॉर्म, जो हमारे देश का संविधान है वो किस तरह का माना जाता है? तो आंसर है इसका फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एफकेट में पूछा गया था, एमटीएस में भी आया हुआ, सीएचएसएल में भी आया, दिल्ली पुलिस में भी आया, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये सीडीएस यूपीएससी में पूछा गया है। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो आंसर है इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट इट मीन्स दैट स्टेट इज रूल्ड बाय, फ्रेंड्स अगर किसी भी राज्य के ऊपर प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य को कौन चलाता है? तो आंसर है इसका गवर्नर ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम वह कौन सा आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं होता? तो आंसर है इसका आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है वो इमरजेंसी के टाइम पर भी लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर, हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगा है? तो आंसर है इसका 3 times लगा है। फ्रेंड्स, ये 3 times जो नेशनल इमरजेंसी है ये मैं आपके लिख देता हूँ क्योंकि इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो पहला नेशनल इमरजेंसी लगा था वो लगा था जब इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हुई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसमें 1st time लगा था। जो 2nd time लगा था फ्रेंड्स वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस टाइम लगा था। और फिर जो 3rd emergency लगा था वो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। और फ्रेंड्स जो इंडिया चाइना जो मतलब इमरजेंसी लगा था ये लगा था हमारा 1962 में लगा था। जो इंडिया पाकिस्तान है फ्रेंड्स ये 1971 में लगा था। जो तीसरा तो इंदिरा गांधी ने लगाया था फ्रेंड्स ये लगा था 1975 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम विच कंट्री, फ्रेंड्स हमारे देश के संविधान ने जो आइडिया है प्रियम्बल का ये कौन से देश के संविधान से लिया है? तो आंसर है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। क्वेश्चन नंबर 10, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, फ्रेंड्स हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है इसका ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो फंडामेंटल राइट है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है इसका USA से लिया गया है फंडामेंटल राइट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी जीके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको मैं यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए हमेशा के लिए। और वीडियो के एंड में 2 questions का टेस्ट भी रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, हमारे देश के संविधान ने स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन किस देश के संविधान से लिया है? तो आंसर इसका कनाडा से लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री, संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? तो आंसर इसका इंडिया, दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, विच राइट वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर B.R. अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किस राइट को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो आंसर है इसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। नंबर 15, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स दैट पर्संस वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नो लॉन्गर टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान फॉरेन की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेता है अपनी इच्छा के अनुसार तो वो भारत का सिटीजन नहीं कहलाएगा? तो आंसर इसका आर्टिकल 9 में यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी, किस देश के संविधान से भारत ने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है?
है? तो आंसर है इसका यूएसएसआर, और जो यूएसएसआर है इसका आपका नाम है रशिया। क्वेश्चन नंबर 17 का लेते हैं, द रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? द रूल ऑफ लॉ जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है इसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है द रूल ऑफ लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये जो टेकन वाले क्वेश्चन है, मतलब किस देश के संविधान से क्या लिया है हमारे संविधान ने फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने आपको अपनी वीडियो में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या बोल लो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? हमारे संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज का सस्पेंड हो जाना किस देश का संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका जर्मनी के संविधान से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? किसी भी फैक्ट्री में और किसी भी खनन विभाग में काम करने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है इसका 14 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 22, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्रेनिन? हमारे संविधान में जो सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस में है? तो आंसर इसका पार्ट टू में दिया गया है, और आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 5(2) में सिटीजनशिप प्रोविजन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर? हमारे संविधान में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर इसका फंडामेंटल राइट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? हमारे संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस देश के लिए लिया गया है? तो आंसर इसका आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो आंसर इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ ग्रहण करवाता है हमारे देश के राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं, यही क्वेश्चन है जो हर साल हर कंप्लीट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन हर कंप्लीट एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आप ये जज कर सकते हो ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? किस आर्टिकल के अंदर जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है? तो आंसर इसका आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं? तो आंसर इसका 11। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, बाय विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल? किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है जो अनटचेबिलिटी है वो कम्प्लीटली अबॉलिश है, मतलब उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका यूज़ करना एक पनिशेबल ऑफेंस है? तो आंसर इसका आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितने तरह के रिट हैं? तो आंसर इसका 5 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, वट आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? हमारा देश का जो पार्लियामेंट है उसके कितने हिस्से हैं? तो आंसर इसका 3 है, एक है द प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। फिर जो राज्यसभा है इसको हम बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जो लोकसभा होता है इसको हम बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? हमारे देश में जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो हर राज्य के गवर्नर को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, हाउ मेनी मेंबर ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में यानी अपर हाउस में कितने लोग मनोनीत कर सकता है? तो आंसर इसका 12। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रीएम्बल? जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ था उसमें प्रीएम्बल में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो आंसर इसका सेक्युलर। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार? अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट किए गए हैं? तो आंसर इसका 122। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLA? वह कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी MPs और MLAs को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? तो आंसर इसका 52nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन 36 कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? हमारे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है? तो आंसर इसका रिप्रेजेंटेटिव,
ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो जरूर चेक कर लेना, बाकी जितनी भी वीडियोस हैं जैसे कि 100 जो मैंने आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाए हैं, हिस्ट्री के बनाए हैं, उसके बाद कंप्यूटर के बनाए हैं, फिजिक्स के बनाए हैं, केमिस्ट्री के बनाए हैं, बायो के बनाए हैं, उसकी लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना। फ्रेंड्स जब आपके मैं 100 क्वेश्चंस वाले सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको 1000 ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगा, 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा, 1000 कंप्यूटर के, मतलब जीके के जितने भी पार्ट होते हैं फ्रेंड्स सभी करवाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको 100 में से 99% क्वेश्चन ना मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आऊँगा, जहाँ तक कोई भी टीचर पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अपनी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, किसके पास ये राइट है कि वो डिसाइड कर सकता है जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। तो आंसर है इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन 38 कर लेते हैं, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, हमारे देश का जो पहला लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है। तो आंसर है इसका अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसको एक करके हम भारतीय संघ में जोड़ने वाले कौन थे। तो आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो आंसर इसका प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है नीति आयोग का। फिर जो नीति आयोग है इसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं, ऑन विच डेट इंडिया बिकम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, किस तारीख को जो भारत था वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। तो आंसर इसका 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके चेयरमैन कौन थे। तो आंसर इसका B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव फ्रॉम, फिर जो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। तो आंसर है इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन थे। तो आंसर है इसका B.N. राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ टेन्योर ऑफ, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसकी जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है। तो आंसर इसका 6 ईयर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो आंसर इसका आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, फ्रेंड जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसका जो ऑफिस होता है वो कितने साल का होता है। तो आंसर इसका 5 ईयर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, विच स्टेट हैज बाई कैमरा लेजिस्लेटिव, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे बाई कैमरल विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेचर है। तो आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, जो नेशनल इनकम है इंडिया का वो कौन जनरेट करता है, मतलब कौन कंपाइल करता है। तो आंसर है इसका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय विच एक्ट, फ्रेंड्स पहले जो फंडामेंटल राइट होता था प्रॉपर्टी का वो किसने मतलब किस अमेंडमेंट के तहत डिलीट कर दिया गया है। तो आंसर है इसका 44 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स पहले हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट होते थे जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था, लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हमारे संविधान में अब 6 फंडामेंटल राइट हैं। क्वेश्चन में 51 कर लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा संविधान जो माइनॉरिटीज होता है उनको किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करता है। तो आंसर है इसका रिलीजन के बेस पे रिकॉग्नाइज करता है। क्वेश्चन में 52 कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वह कौन सा पार्ट है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डील करता है। तो आंसर है इसका पार्ट 4। क्वेश्चन में 53 कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वह कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि जो स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है जम्मू कश्मीर को उससे डील करता है। तो आंसर इसका पार्ट 21। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं, द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज फॉर द पीरियड ऑफ, जो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रीय शासन लागू होता है किसी भी राज्य के ऊपर वो कितने टाइम के लिए लागू होता है। तो आंसर इसका 6 मंथ के लिए लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कम से कम एज कितना चाहिए अगर किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का। तो आंसर है इसका 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 56, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच इंस्टीट्यूशन। में जो नीति आयोग बनाया गया है वो किसको रिप्लेस करके बनाया गया है, तो आंसर है इसका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है। क्वेश्चन 57 कर लेते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए गए हैं, तो आंसर है इसका 11। क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज। इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, तो आंसर है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के। क्वेश्चन 59 कर लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। वह कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो कि नेशनल इमरजेंसी को बताता है, तो आंसर है इसका आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हमारे संविधान में वह कौन सा आर्टिकल है जिसे कि राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है, तो आंसर है इसका आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, विच अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया। वह कौन सा अमेंडमेंट है हमारे संविधान में जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आंसर इसका 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं, हाउ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो आंसर इसका बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय। फ्रेंड्स जो भारत का जो नागरिकता है वो किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है, मतलब दिया जाता है, तो आंसर इसका द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ द विधान परिषद। विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितनी चाहिए, तो आंसर है इसका 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी कमेटी है वो कौन सी है, तो आंसर है इसका एस्टिमेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा। फ्रेंड्स मीटिंग जो होती है लोकसभा में उसको होल्ड करने के लिए कम से कम कितने चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, तो आंसर है इसका 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन 67 कर लेते हैं, बाय वोम रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किसके रिकमेंडेशन पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में ऐड करी गई थी, तो आंसर इसका सोन सिंह कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन 68 कर लेते हैं, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। फ्रेंड्स नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के लिए जो रिस्पेक्ट होता है वो क्या है, तो आंसर इसका फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म क्यू वारंटो। फ्रेंड जो रिट है क्यू वारंटो इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर इसका बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है स्टेट का वो कौन होता है, तो आंसर इसका प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस शेड्यूल में दिया गया है, तो आंसर इसका 10th शेड्यूल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन से पार्ट में दिया गया है हमारे संविधान में, तो आंसर इसका Part 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। किसी भी राज्य का अगर गवर्नर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आंसर इसका 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, विच राइट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट। वह कौन सा राइट है जिसे कि फंडामेंटल राइट से निकालकर सिंपल लीगल राइट बना दिया गया है, तो आंसर इसका राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। वह कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो कि डील करता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आंसर है इसका आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, तो आंसर है इसका प्रेसिडेंट। फ्रेंड जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में वो राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। वह कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो कि डील करता है जितनी भी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट हैं, तो आंसर है इसका 86th अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू। फिर जो स्पीकर होता है लोकसभा का अगर वो अपना रिजाइनेशन देना चाहे तो किसे देगा, तो आंसर है इसका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर। फिर जो गवर्नर होता है उसका कितने साल के लिए कार्यरत होता है, तो आंसर है इसका 5 ईयर के लिए।
क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको अगर रिमूव करना चाहे कैसे रिमूव, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर इसका रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा, मतलब लोकसभा द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके जो स्पीकर होता है लोकसभा का उसको रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी वो कौन थी? तो आंसर इसका मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। व्हेन द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली हु एक्ट प्रेसिडेंट, फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति की सीट और उपराष्ट्रपति की सीट अगर एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति का काम कौन करता है? तो आंसर इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, इंडिया में जो फाइनेंस कमीशन है वह कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति जो होता है ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। द रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इज विद, जो रेसिडरी पावर होती है लेजिस्लेशन की वो किसके पास होती है? तो आंसर है इसका पार्लियामेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल, वह कौन सा एक्ट है जिसने कि इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बना दिया था? तो आंसर इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, फ्रेंड्स वह कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये बताता है जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की? तो आंसर है इसका आर्टिकल 343। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं, यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पहला वायसराय था वो कौन था? तो आंसर इसका लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ अवर कंट्री, फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति है वो किस मेंबर का, मतलब पार्लियामेंट के किस मेंबर हाउस का मेंबर होता है? तो आंसर इसका नाइदर ऑफ टू, मतलब ना वो लोकसभा का मेंबर होता है ना वो राज्यसभा का मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फ्रेंड्स जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो कौन डिसाइड करता है? तो आंसर इसका द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो आंसर इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर, फ्रेंड्स किस आर्टिकल के अंदर द प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेंशन है? तो आंसर इसका आर्टिकल 267। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी हैज इन्वेस्ट इन विच आर्टिकल, जो प्रोटेक्शन होता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आंसर इसका आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है? तो आंसर इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन विच आर्टिकल, फ्रेंड्स किस आर्टिकल के अंतर्गत जो हमारे संविधान है उसको अमेंड, मतलब उसको संशोधित किया जा सकता है? तो आंसर इसका आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 95। विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, वह कौन सा एक्ट था जिसने कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कम्युनिकल रिप्रेजेंट फॉर मुस्लिम के लिए लागू किया था? तो आंसर इसका एक्ट ऑफ 1909। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें कि सेक्युलर वर्ड जो था वो प्रीएम्बल में ऐड किया गया था? तो आंसर इसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, हमारे संविधान के अनुसार किसे इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर है? तो आंसर इसका प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, फिर जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, फ्रेंड जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर इसका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, फ्रेंड जो प्रेसिडेंट होता है मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो मेंबर ऑफ जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे उसको डिसमिस कर सकता है? तो आंसर इसका प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे जो प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर को
डिसमिस कर सकता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए इसी वीडियो में। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है, टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, पर जो मैंने आपको भी 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, वट इज द करेक्ट नॉमिनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल? राइट आंसर इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड इन विच फॉर्म? राइट आंसर इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट इट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय? राइट आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी? राइट आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 28, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड? राइट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। क्वेश्चन नंबर 10, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11, फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज USA। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज कैनेडा। क्वेश्चन नंबर 13, वट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री? राइट आंसर इज इंडिया, दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 14, विच राइट वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल डिस्क्राइब दैट पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ foreign state no longer to be the citizen of India? Right answer is article 9. Question number 16, from which country constitution of India has adopted fundamental duties? Right answer is USSR, now Russia. Question number 17, the rule of law is taken from the constitution of which country? Right answer is British constitution. Question number 18, directive principle is taken from the constitution of which country? Right answer is Irish constitution. Question number 19, concurrent list is taken from the constitution of which country? Right answer is Australian constitution. Question number 20, suspension of fundamental during emergency is taken from the constitution of which country? Right answer is Germany. Question number 21, what is the minimum permissible age for employment in any factory or mine? Right answer is 14 years. Question number 22, in Indian constitution citizenship provisions are enshrined in? Right answer is part 2, article 5 to 11. Question number 23, in Indian constitution right to constitutional remedies comes under? Right answer is fundamental right. Question number 24, in Indian constitution the method of election of parliament has been taken from which country? Right answer is Ireland. Question number 25, who administers the oath of President of India? Right answer is Chief Justice of India. Question number 26, under which article President of India can proclaim financial emergency? Right answer is article 360. Question number 27, what is the total number of fundamental duties mentioned in our constitution? Right answer is 11. Question number 28, by which article untouchability is abolished and its practice is punishable? Right answer is article 17. Question number 29, how many types of writ are there in Indian constitution? Right answer is 5. Question number 30, what is the constituent of Indian parliament? Right answer is the president, the council of state Rajya Sabha, the house of the people Lok Sabha. Question number 31, who appoints governor of state in India? Right answer is president of India. Question number 32, how many members of upper house Rajya Sabha can be nominated by president? Right answer is 12. Question number 33, in the 42nd constitutional amendment 1976, which word was added to the preamble? Right answer is secular. Question number 34, how many constitutional amendments to the constitution of India have been made so far? Right answer is 122. Question number 35,
Which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLAs? Right answer is 52nd Amendment Act. Question number 36. Which type of democracy do we follow in India? Right answer is representative. Question number 37. Who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? Right answer is Speaker of Lok Sabha. Question number 38. Who is the first law officer of country? Right answer is Attorney General. Question number 39. Who was responsible for the integration of princely state into the union after independence? Right answer is Sardar Vallabhbhai Patel. Question number 40. Who is the chairman of Niti Aayog? Right answer is Prime Minister. Question number 41. On which date India become a sovereign democratic republic? Answer is 26 January 1950. Question number 42. Who was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? Right answer is B.R. Ambedkar. Question number 43. The inspiration of liberty, equality and fraternity was derived from? Right answer is French Revolution. Question number 44. Who was the constitutional advisor to the Constitutional Assembly of India? Right answer is B.N. Rao. Question number 45. Jammu and Kashmir State Legislative Assembly was tenure of? Right answer is 6 years. Question number 46. Right to privacy comes under which article? Right answer is Article 21. Question number 47. The term of office of the Vice President of India is? Right answer is 5 years. Question number 48. Which state has bicameral legislature? Right answer is Jammu and Kashmir. Question number 49. National income of India is compiled by? Right answer is Central Statistical Organization. Question number 50. Fundamental right to a property has been deleted by which act? Right answer is 44th Amendment Act. Question number 51. Indian Constitution recognizes minority on the basis of? Right answer is religion. Question number 52. Which part of Constitution deals with the directive principle of state policy? Right answer is Part 4. Question number 53. Which part of the Constitution incorporates special provision to the state of Jammu and Kashmir? Right answer is Part 21. Question number 54. The president rule is imposed for the period of? Right answer is 6 months. Question number 55. What is the minimum age required to become Vice President of India? Right answer is 35 years. Question number 56. Niti Aayog has been formed to replace which institution? Right answer is Planning Commission. Question number 57. How many fundamental duties are mentioned in Indian Constitution? Right answer is 11. Question number 58. Who is the Supreme Commander of Indian Defence Forces? Right answer is President of India. Question number 59. Which article of Indian Constitution has provision for national emergency? Right answer is Article 352. Question number 60. Under which article President of India can proclaim constitutional emergency? Right answer is Article 356. Question number 61. Which amendment is also known as mini constitution of India? Right answer is 42nd amendment. Question number 62. How the member of Rajya Sabha are elected? Right answer is by elected member of legislative assembly. Question number 63. Indian constitution is granted by? Right answer is the Ministry of Home Affairs. Question number 64. What is the minimum age limit for the member of the Vidhan Parishad? Right answer is 30 years. Question number 65. Which is the largest committee of Parliament of India? Right answer is Estimate Committee. Question number 66. The minimum number of members that must be present to hold the meeting of the Lok Sabha? Right answer is 1/10 of the total membership. Question number 67. By whom recommendation fundamental duties have been added to the constitution by 42nd Amendment 1976? Right answer is Swan Singh Committee. Question number 68. Respect for the national flag and national anthem is? Right answer is fundamental duty of every citizen. Question number 69. What is the literal meaning of term quo warranto? Right answer is by what authority or warrant? Question number 70. Who is the executive head of state in India? Right answer is president. Question number 71. Anti-defection law is given by which schedule of Indian constitution? Right answer is 10th schedule. Question number 72. Fundamental duties are mentioned in which of the following part of Indian constitution? Right answer is part 4A. Question number 73. What is the minimum age for becoming a governor of state in India? Right answer is 35 years. Question number 74. By which right has been removed from fundamental rights and converted to a simple legal right? Right answer is right to property. Question number 75. Which article of Indian constitution deals with the right to equality before law? Right answer is Article 14. Question number 76. Appointments for all India services are made by? Right answer is President. Question number 77. Which Constitutional Amendment Act deals with the elementary education as fundamental right? Right answer is 86th Amendment Act. Question number 78. The Speaker of Lok Sabha addresses his letter of resignation to the Right answer is Deputy Speaker of Lok Sabha.
क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर? राइट आंसर इज 5 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 80, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय? राइट आंसर इज अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा. क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज मीरा कुमार. क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट? राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 83, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 84, द रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इज विद? राइट आंसर इज पार्लियामेंट. क्वेश्चन नंबर 85, विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल? राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. क्वेश्चन नंबर 86, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? राइट आंसर इज आर्टिकल 343. क्वेश्चन नंबर 87, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. क्वेश्चन नंबर 88, प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ आवर कंट्री? राइट आंसर इज नाइदर ऑफ टू. क्वेश्चन नंबर 89, हु डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन. क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड DMA? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 91, द प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर? राइट आंसर इज आर्टिकल 267. क्वेश्चन नंबर 92, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज इन्वेस्ट इन विच आर्टिकल? राइट आंसर इज आर्टिकल 29. क्वेश्चन नंबर 93, द पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? राइट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 94, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय विच आर्टिकल? राइट आंसर इज आर्टिकल 368. क्वेश्चन नंबर 95, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स? राइट आंसर इज एक्ट ऑफ 1909. क्वेश्चन नंबर 96, द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? राइट आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्वेश्चन नंबर 97, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी? राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 98, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय? राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. क्वेश्चन नंबर 99, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर? राइट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स. एंड अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 100, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर. फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको 100 क्वेश्चन रिवाइज भी करवा दिया. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है. दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर वो रिवाइज भी हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, B.R. अम्बेडकर. सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, B.R. अम्बेडकर. सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, B.N. राव. फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की. मतलब फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग फॉलो को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब फ्रेंड्स, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का. मतलब फ्रेंड्स, आप ये सोचते हो कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ भूल जाओ, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा. तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.